ठाकरे और अर्चना गौतम का झगड़ा बना फिर से चर्चा का विषय। आखिर बिग बॉस का झगड़ा पहुंच गया कैसे खतरों के खिलाड़ी के सेट पर? आखिर कौन सी एक्ट्रेस ने करवाया दोनों का पैचअप? अर्चना गौतम को मिली किस तरह की एडवाइस? हेलो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल और आप देख रहे हैं टेली रिपोर्टर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिव ठाकरे और अर्चना गौतम की एक ऐसी घमासान हुई थी बिग बॉस 16 के हाउस में कि जिस वजह से अर्चना गौतम को घर से निष्कासित तक होना पड़ा। हालांकि वो बात अलग है कि वो वापस आ गई और दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग भी देखने को मिली, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो गई जब खतरों के खिलाड़ी की 13 के सेट से भी वही सेम खबरें सामने आई कि अर्चना गौतम और शिव ठाकरे के बीच में एक बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई हो गई है। साउथ अफ्रीका से आने के बाद और शूट खत्म करने के बाद अर्चना गौतम ने इस बात पर खुलासा करते हुए कहा था कि उन्होंने उनकी माँ को गाली दी थी, लेकिन अब सब कुछ सही है। ऐसे में इसी शो में भाग ले चुकी एक्ट्रेस नायरा बैनर्जी ने अब अपना रिएक्शन दिया है। नायरा बैनर्जी से जब पूछा गया शिव ठाकरे और अर्चना गौतम की लड़ाई को लेकर, तो उन्होंने कहा कि दोनों के बीच में काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी, माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। वहां पर काफ़ी लोगों ने कोशिश की दोनों को शांत कराने की। शिव थोड़े शांत भी हो गए कुछ वक्त के बाद, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल था अर्चना गौतम को शांत करवाना। मैंने अर्चना को जाकर एडवाइस दी और उनसे अकेले में बात की। मैंने अर्चना को समझाते हुए कहा कि तुम्हें अपने पॉइंट और अपने ओपिनियन को काफ़ी फर्मली ओपनली सामने रखना पड़ेगा, लेकिन बिग बॉस के तरीके से नहीं, खतरों के खिलाड़ी की तरीके से। यहाँ पर तुम्हें इम्पल्सिव नहीं होना है, ना ही तुम्हें ऊंची आवाज़ में बात करनी है। शांति से बात करो और अपने झगड़े को सुलझाओ। मैं अब इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि शिव और अर्चना के बीच में जो भी प्रॉब्लम थी वो इंडिया आने से पहले ही ख़त्म हो गई है। दोनों के बीच में सुलह हो चुकी है और अब दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त भी हैं। साथ ही साथ दोनों ने कई मौक़ों पर साथ में डांस भी किया है। मैं अब खुश हूँ कि दोनों के बीच में अब सब कुछ ठीक है। नायरा बैनर्जी ने जिस तरीके से इस झगड़े के बारे में बात की है और अर्चना को ज़्यादा इम्पल्सिव बताया है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।